तो कैसे हैं आप लोग। रश्मिका मंदाना इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस मानी जाती है, जिनकी बहुत सारी फिल्में आने वाली है। दो फिल्में बॉलीवुड की हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं। तो चलिए उनकी आज हम आने वाली फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2021 एंड 2022 में रिलीज होने वाली है। तो चलिए लाइक का बटन दबा दो, शुरू करते हैं। नंबर 5 अदालू और मेक को जोहार लू फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म में शर्मानंद और रश्मिका दिखाई देने वाली हैं। राइटर और डायरेक्टर है तिरुमला किशोर, जो कि रेड जो कि अभी अभी रिलीज हुई थी और नेनू साइलाजे जैसी सुपर हिट फिल्में बना चुके हैं और रोमांटिक जॉनर में उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्म बनाई है और ये फिल्म 2022 तक रिलीज होगी। नंबर 4 मिस्टर मजनू और ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में रश्मिका के अपोजिट सिद्धार्थ मल्होत्रा दिखाई देंगे और सैम इस फिल्म में एक रॉ एजेंट का रोल प्ले करने वाले हैं। उसके अलावा शरीफ हाशमी, कुमुद मिश्रा, जाकिर हुसैन और पन्नी सेठी इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। डायरेक्टर है शांतनु बागची, जो कि उनकी डेब्यूट फिल्म है। तो ऑल द बेस्ट। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, ये रश्मिका और सिद्धार्थ की फर्स्ट स्पाई थ्रिलर फिल्म होने वाली है, तो मजा आने वाला है। फिल्म की शूटिंग लखनऊ में हुई है और इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से इंस्पायर है, जो कि 1970 के वक्त हुआ था। और इस फिल्म में हम सबको इंडिया के सबसे डेयरिंग और खतरनाक आप लोग बोल सकते हो मिशन के बारे में दिखाया जाएगा, जो कि पाकिस्तान देश में घुस कर किया गया था, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान का संबंध पूरी तरह बदल गया। और इस फिल्म के बारे में रश्मिका मंदाना ने कुछ ये कहा था, आई एम सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट माई जर्नी इन हिंदी सिनेमा एंड टू रीच आउट टू न्यूअर ऑडियंसेस। तो हम भी पूरे दिल से आपका वेट कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो कि नहीं लिख कर बताओ। नंबर 3 गुड बाय और ये एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में रश्मिका मंदाना के साथ अमिताभ बच्चन दिखाई देने वाले हैं और इस फिल्म में दोनों कैरेक्टर फादर और डॉटर का रोल प्ले करने वाले हैं, ऐसे करने वाले हैं। डायरेक्टर है विकास भाल, जो कि सुपर 30, क्वीन और चिल्लर पार्टी जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं। उनकी गणपत फिल्म रिलीज होने वाली है स्टारिंग टाइगर श्रॉफ और ये फिल्म 2022 के मौके पर रिलीज होगी। इस फिल्म के बारे में फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने कुछ ये कहा था, ये एक ऐसी कहानी है जिससे हर परिवार की पहचान होगी। मैं श्री बच्चन के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ और रश्मिका मंदाना को इस खूबसूरत फिल्म में प्रस्तुत करने के लिए रोमांचित हूँ। तो बहुत ही सही बात है और ये फिल्म बालाजी और रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाली है और ये फिल्म 2022 के मौके पर रिलीज होगी। नंबर 2 NTR 30 और ये एक रोमांटिक एक्शन फिल्म होगी। फिल्म में यंग टाइगर NTR के साथ रश्मिका मंदाना दिखाई देने वाली है और इस फिल्म में NTR और रश्मिका का एक न्यू अवतार देखने मिलेगा और फिल्म की स्टोरी लाइन बहुत ही गजब की होने वाली है। फिल्म के राइटर और फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के स्क्रीन राइटर भी त्रिविक्रम श्रीनिवास होने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, जो कि अरविंद समेता, वीरा राघव, सन ऑफ सत्यमूर्ति, बेस्ट फैमिली एंटरटेनर फिल्म 2020 की, अला वैकुंठा पुरमलो जैसे फिल्में बना चुके हैं और ये फिल्म 2022 तक रिलीज होने वाली है, स्टार्टिंग में रिलीज हो जाएगी। और फिल्म को म्यूजिक और BGM थमन ने दिया है, तो इम्प्रेसिव और जोरदार म्यूजिक देखने मिलेगा। नंबर 1 लिस्ट पे पुष्पा, 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 3 बार फिल्म का नाम लूंगा क्योंकि फिल्म एक मच अवेटेड पेन इंडिया एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन पुष्पा राज का कैरेक्टर प्ले करेंगे। उसके अलावा रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल इस फिल्म में मेन विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। जगपति बाबू, प्रकाश राज, धनंजय, सुनील, विनीला किशोर, हरीश उथामन, जो कि सपोर्टिंग रोल प्ले करने वाले हैं। राइटर और डायरेक्टर है सुकुमार, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट फिल्में बना चुके हैं, आप सभी को मालूम है। फिल्म 13 अगस्त को रिलीज होने वाली है 5 भाषाओं में, पेन इंडिया फिल्म है। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम भाषा में एक साथ रिलीज होगी और ये फिल्म को म्यूजिक और BGM DSP ने दिया है। तो क्या मांगता है यार, फिल्म में एक्ट्रेस, एक्टर देखो, राइटर, डायरेक्टर देखो और म्यूजिक जो दिया है उसका नाम देखो, फिल्म बहुत ही तगड़ी होने वाली है। तो आप लोग कौन से फिल्म के लिए वेट कर रहे हो, आप लोगों को लिख कर बताना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ एक फिल्म का तो नाम आप लोगों को बोलना ही पड़ेगा, तो आप लोग कौन से फिल्म के लिए वेट कर रहे हो लिख कर बताओ ये 5 फिल्में से। तो मुझे यकीन है आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो यार, लाइक करते नहीं हो तो फटाफट लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। शुक्रिया।